मैंने एक चम्मच शहद डाल दिया है इसके अंदर। अब मैं नींबू डाल दूंगी आधा। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। देखिए मिक्स हो गया है। कम से कम डेढ़ दिन लगा है स्प्राउट्स बनाने में। मैंने सात आठ घंटे तो मैंने उसको सोक किया था पानी में, दिन में ही इसी टाइम पे मैंने कर लिया था। और फिर रात को मैंने इसको निकाल के ऐसे ही टिफ़िन में छोड़ दिया, क्योंकि गर्मियां हैं तो ईजी आराम से निकल जाता है स्प्राउट्स। अब मैं इसके अंदर ये ट्रांसफ़र कर देती हूँ, मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें कुकुम्बर ऐड कर दूँगी। ये स्वीट एंड सॉर होती है थोड़ी सी, मैं स्वीट एंड सॉर बना रही हूँ ये। अब मैं इसमें मैंगो ऐड कर दूँगी। ये फ्रूट सैलेड बना रही हूँ मैं। और अब मैं इसमें खरबूजा ऐड कर दूँगी। डेट थोड़ा थोड़ा काट लिया है इसको छोटा छोटा। और अब मैं इसमें बादाम है, किशमिश है और मुनक्का है, ये भी सब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी।